कौलसे पाटिल साहब, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, देश का गृह मंत्री मणिपुर में जाता है, चार दिन रहता है, एक आयोग बनाता है और कहता है कि ये सब ठीक हो रहा है और उसके बाद कुछ नहीं ठीक होता है, तो ये विपक्ष के लोग अमित शाह का इस्तीफा और प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं? कि या उनको लगता है कि नहीं, पहले प्राइम मिनिस्टर को बोल लेने दें, उसके बाद इस्तीफा मांगेंगे? जरा मैं ये भी समझना चाह रहा हूं कौलसे पाटिल साहब, इन्होंने ये सब टालने की हर कोशिश पॉसिबल कोशिश करी है, लेकिन अभी टाल नहीं। अभी आपने बोला, मुझे तो लगता था कि अविश्वास प्रस्ताव ही दाखिल करके नहीं लेंगे, ये चाहे तो संसद डिसॉल्व हो और इलेक्शन में सामने जाए, इलेक्शन सामने जाए, ये कर सकते। आवाज आएंगी? मैं दिखा तो भी चलेगा, आवाज आएंगी मेरी? आवाज आ रही, आवाज आ रही, आवाज आ रही। तो मैं आपके माध्यम से देश को सावधान कर रहा हूं, जो मेरे गुरु ने 2002 में 2001 में करा था, वही सावधानी मैं बोल रहा हूं कि मोदी का अभी गुजरात का असली स्वरूप देश के सामने आया। मणिपुर ये गुजरात के डुप्लीकेट आवृत्ति थी और आज देश भयंकर संकट में है। मोदी जी इतने आसानी से इलेक्शन को फेस करने नहीं देंगे और यदि वो हारे तो भी इतने आसानी से पावर नहीं छोड़ेंगे, ये ट्रंप की कॉपी करने वाले हैं। दूसरी बात ऐसी कि उन्होंने सब प्लान किया, अभी हारे तो क्या करना है और जीते तो क्या करना है, सब प्लान उनका तैयार है। आज जिस ढंग से मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज है वो गुजरात से भी भयानक लग रही है। अभी गुजरात में उन्होंने जो किया, बजरंगी उसका वर्णन करता है, बजरंगी आप वो वीडियो देखिए, आप जस्टिस सावंत और कृष्णराज का रिपोर्ट देखिए, तो इन्हें किसी हालत में किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं बिठाना चाहिए, ये उनका रिकमेंडेशन था। वो कितना सही था वो आज हम देशवासी जाने, ये संवैधानिक पद पर बैठे इन्होंने क्या किया, सभी संवैधानिक संस्थाएं खत्म करी, हम जो हमारी सब अर्थव्यवस्था खत्म करी। आज एक बड़ा ट्विटर है, लंबा ट्विटर है और उसने काल्पनिक तुलनात्मक ये ट्वीट में ये आर्थिक हमारी बर्बादी कैसी हुई ये दिखा है और उन्होंने कहा कि 90% लोग बर्बाद हो गए और बाकी लोगों की आमदनी बढ़ गई है। anyway, अभी तो आज जो अविश्वास प्रस्ताव है वो अभी इन्होंने आर्टिकल भी बोला 75 है 74 है, मोदी को आंसर करना ही होगा। शाह अपना माइट दिखाने की कोशिश करते हैं, ये लेटर लिखने का उनका कोई अधिकार नहीं था और वो उन्होंने लिखा ही नहीं है, वो किसी ने लिख के उनको सिग्नेचर लिया है, क्योंकि उनके उनके पास आप हम बैठेंगे तो अमित शाह ये सभी चाल हम 2001 से समझते सोचते हैं देखते आए हैं। ये गुजरात फाइल्स किताब उसके लिए बहुत माहिर है और दूसरी भी कई किताबें हैं, लेकिन इसीलिए ये मणिपुर ये क्या बोलते उसको ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ये आसानी से नहीं इलेक्शन होने देंगे क्योंकि इनका इनका रवैया देखो, ये हारने को तैयार नहीं है, गुजरात से देखो, और संसद में आके मत्था टेक के संसद को ध्वस्त किया ना, नई संसद भी बनाई, पुरानी संसद को छोड़ने का अभी उनका इरादा तय हो गया। वैसा गुजरात में वो कभी विधानसभा में जाते नहीं थे, वो अपने ऑफिस में बैठते थे, वही पार्लियामेंट में कर रहे हैं कि वो जाते नहीं पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट की एंट्री में मत्था टेकना और उसके बाद पार्लियामेंट में न जाना, ये तो सिर्फ मोदी कर सकते हैं। तो आज जिस हालत में देश उन्होंने लाके रखा है, किसी भी फ्रंट पे लॉ एंड ऑर्डर हो, अरे मणिपुर में 6,000 राइफल्स और 6,00,000 कारतूस गायब होते हैं, ये क्या सरकार के बिना होते हैं क्या? तो ये सरकार पुरस्कृत वायलेंस जैसा गुजरात में था वैसा मणिपुर में है। और ये लोगों की संख्या कितनी है, सभी जब नॉर्थ ईस्ट स्टेट लिए ना, तो ये ज्यादा से ज्यादा इनके 20 यानी मेरे ख्याल से 20 करोड़ आबादी है क्या, 6-7 करोड़ आबादी और 20 लोग है लोकसभा के मेरे ख्याल से वहां से, उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता ये सभी। 1980 से आरएसएस के लोग वहां जाके काम कर रहे हैं, 80 से, क्योंकि उनको टारगेट है 2025 का।
हमारे महाराष्ट्र के आरएसएस के लोग जाके मणिपुर में और या नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहे, क्या काम कर रहे थे? यही कर रहे थे ना, 300 चर्चे जलाए और बाकी तो कितने घरे, कितने घर जले, कितने लोग मर गए, इसके तो सही आंकड़ा आने, जैसा गुजरात में नहीं आया तो वैसा इधर भी नहीं आएगा, आ ही नहीं रहा। तो ये कौन सी सेवा कर रहे हैं देश की, देश पर कौन सा राज चला रहे हैं ये? और उनको मोदी शाह के साथ है, मोदी के शाह के साथ है, आते ही उन्होंने दो भाषण किए थे मोदी शाह ने मेरे ख्याल से, कि हम ये लाल आग की बात करी थी और ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करी थी। तो अभी ये ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में भी हमला कर सकते हैं, क्या करेंगे मालूम नहीं, लेकिन जो कुछ होने वाला है भयंकर होने वाला है। और उनके डिफरेंट डिफरेंट प्लानिंग है, पर मैं न डरते हुए आप सबको विनती करता हूं कि आने वाले दिनों में हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा। शायद हम तो हमेशा हमारे ऊपर तलवार लटकी हुई है, तो जब हम बात करते हैं तो हमें मालूम है कि कोई लफ्ज निकल जाए और कल पुलिस की नोटिस आ जाए, तो ये हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा हुआ जो चल रहा है, मोदी का असली रूप में देश के सामने आ रहा है। और विपक्ष अभी तक मुझे लगता है कि मोदी को सही मायने में पहचाने कि नहीं पहचाने, कि इतनी इतनी भयंकर क्रूरता के साथ मोदी जी पेश आ रहे हैं अपोजिशन के साथ, ये इंडिया पर क्या कमेंट कर रहे हैं, यानी भोखला भी गए हैं, डर भी रहे हैं और वैसे गुजरात जैसा रंग भी दिखा रहे हैं। ये तीनों इन वन पर्सनैलिटी मैं देख रहा हूं। जस्ट कोलसे पाटिल साहब, आपके पास संक्षेप में आपसे एक छोटी टिप्पणी ले लें। आज एक और इम्पोर्टेंट चीज हुई है, वो मीडिया में थोड़ा होगा ही, कल देखें कितना कवर होती है। जो एसके मिश्रा जी जो ईडी के डायरेक्टर साहब थे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये इलीगल है, इनके दोनों अपॉइंटमेंट इलीगल है, इनको 31 जुलाई तक वो मिलना चाहिए, उसके लिए हमारे सॉलिसिटर जनरल साहब आज सरकार की तरफ से अर्जी लगाए हैं कि इनको एक्सटेंशन फिर दिया जाए। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कि आप तो मतलब एक कोर्ट कह रहा है ये इलीगल है और उसमें फिर आके ये हिम्मत कर रहे हैं, तो ये सब क्या हमको आपको मुझे नहीं समझ में आ रहा। आप एज अ लीगल एक्सपर्ट और एज अ सीनियर नागरिक ऑफ दिस कंट्री, आपसे जरा समझ है कि जब कहा हुआ है सर उसने कि ये इलीगल है, उसके बाद फिर लाके इलीगल काम को फिर से करेंगे, नहीं फिर इलीगल काम करो। मैं तो शुरू में कहा था कि सभी संस्थाएं बर्बाद करी, जजेस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ट्रोल कर रहे हैं लोग, और ये जो ऑर्डर है ये सुप्रीम कोर्ट वापस नहीं ले सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी ऑर्डर दी थी। मैंडेटरी ऑर्डर का मतलब है आपको करना ही पड़ेगा, उसके बाद उन्होंने कानून चेंज किया, उसके बाद उन्होंने नया कानून लाया, अध्यादेश लाया, नया कानून लाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं कि हमारी ऑर्डर उसके पहले थी, इसलिए यू हैव टू ओबे दैट ऑर्डर एंड देयरफॉर ही शुड गो। मालूम नहीं आज कुछ हुआ क्या, नया ऑर्डर हुई, नया ऑर्डर हुई नहीं, ऑर्डर नहीं हुआ नहीं, कल की डेट लगी है, कल या इसीलिए वो जजेस को भी ट्रोल कर रहे हैं। और ये लोहिया से हिस्ट्री है, हम जानते हैं लोहिया से, तब तो आपसे आज तक जो ट्रोलिंग है, तो किसी संस्था को छोड़ा ही नहीं ना, जुडिशियरी को ना छोड़ा, ईडी को, यानी सभी बाकी सभी संस्थाओं के मुट्ठी में है, सब देश इनके मुट्ठी में है। अब देखो ना, ये अमेरिका जा रहे थे तो ये मणिपुर के कई डेलीगेशन, एक 10 संगठनों का डेलीगेशन यहाँ 10 दिन बैठा, ये अमेरिका चले गए लेकिन उनको मिला नहीं। मुझे लगता है कि इनको ये गवर्नमेंट कहाँ से आई है, इनके कुछ तो ऐसे प्लान हो गए कि उन्हें सत्ता छोड़नी नहीं है, तुम कुछ भी करो, नहीं तो इलेक्शन को कोई डरता, जनमानस को भी डरता कि मन की बात करते रहेंगे और किसी को नहीं डरेंगे, तो ये कैसा चलेगा, ये क्या डेमोक्रेसी हो गई क्या? तो इसीलिए मैं मुझे लगता है ये अभी सब लोग ने भी कहा कि वो क्या करेंगे मालूम नहीं, लेकिन उनके पास करने को कुछ है नहीं, बोलने को कुछ है नहीं, तो इसीलिए हम आपके माध्यम से जनता को फिर विनती करते हैं कि सबको चौंकाने रहना होगा। आपके घर में कुछ ना कुछ तो होने वाला है, आपके गाँव में कुछ ना कुछ होने वाला है और ये सबको आपको रोकना पड़ेगा। ये हम अभी सभी संस्थाएं खत्म होने के बाद अभी क्या हुआ है, बचा कौन है? मोदी वर्सेस जनता है, तो जनता को देखना होगा कि मोदी को कैसे हैंडल करना है,